देखिए, इसका जो आप पूछ रहे हैं ना कि नवरात्रों में ही क्यों ये मान्यता है, ये मान्यताएं थोड़ी क्रिएटेड हैं। मान्यता है और उसमें सच्चाई भी है, लेकिन एक कंडीशनिंग है क्रिएटेड, और लंबे समय से, जब सैकड़ों साल से, हजारों साल से उस पर काम कोई करता रहता है कि इन दिनों में हम आवाहन करेंगे, इन दिनों में साधना करेंगे, इन दिनों में हम कुछ खास तरह के प्रोसेस करेंगे, तो वो चैनलाइजेशन, जैसे हमने कहा 5 तत्वों में जो आकाश तत्व का मतलब वो टाइम और स्पेस, तो भारत में जब हमने आकाश तत्व को माना तो आकाश तत्व में हमने टाइम स्पेस को भी हमने एक खास ढंग से कंडीशनड कर दिया, तो इन नवरात्रों के खास समय को हमने कंडीशनड कर दिया, तो अब उस कंडीशनिंग के चलते हुए कई बार जो वो पैटर्न है वो रिपीट होने लगेंगे, बार बार रिपीट होंगे पैटर्न, लेकिन वो एक खास वर्क के लिए रिपीट होंगे। अगर कोई ये पूछे कि क्या ये सबको अवेलेबल होगा, अब कोई देवी के भाव में आ जाएगा तो कहीं हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम के, उसको फिर तब कोई बात नहीं, लेकिन आपको आना देवी के भाव में पड़ेगा, क्योंकि उसी से ये कंडीशनड है। जैसे ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स की तरह से चीज़ भारत में पैदा कर दी गई, जिसको आप बहुत पॉपुलर, अगर मनोविज्ञान के नॉर्मल चीज़ें भी आपने पढ़ी होंगी कभी, एक लॉ ऑफ एसोसिएशन है, साहचर्य का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएशन। इसके लिए सबसे पॉपुलर जो एग्जांपल है सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं, कम किताबों में भी है, कम कोर्स की, पावलाव का लॉ ऑफ एसोसिएशन, जो कुत्ता और घंटी और लार वाला है, कि कुत्ते को रोटी दी, घंटी बजाई, तो कुत्ते को रोटी डालते उसके मुंह में लार, घंटी बजाई, फिर पावलाव कहता है कि रोटी नहीं दी, घंटी बजाई, कुत्ते के मुंह में लार आया, आने शुरू, क्योंकि वो एसोसिएशन हो गया, घंटी का एसोसिएशन रोटी से पैदा हो गया, लॉ ऑफ एसोसिएशन। भारत के लोगों ने इसीलिए मनोविज्ञान विकसित, यहाँ सब बहुत ज्ञाता मानसिक रूप से रहे लोग, मन के ज्ञाता बहुत लोग थे, तो नवरात्र जो है हमारे लॉ ऑफ एसोसिएशन के बीच में पड़ते हैं, खास व्यवस्था और खास किस्म की ऊर्जा और भावदशा के बीच में एक एसोसिएशन पैदा कर दिया। अब जब भी वो हमारे कैलेंडर में वो नवरातें आएंगी, लोगों का माइंड एक खास तरह से रिएक्ट करने लगेगा, जो उस भावदशा में है उनका माइंड खास तरह से रिएक्ट करेगा, उनके लिए वो बेनिफिशियल हो गया, तो उस लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बड़ा वैज्ञानिक है ये। और अगर आप उस कंडीशनिंग को हटा दीजिए तो हमेशा उपलब्ध है, लेकिन वो हमेशा उपलब्ध वाली भी एक कंडीशनिंग है, वो भी करनी पड़ती है कि भाई कोई इस भाव से कन्विंस्ड है कि हमेशा उपलब्ध है तो हमेशा उपलब्ध है, देवी का कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, लेकिन इन दिनों में वो एसोसिएशन बना दिया गया है, इसीलिए हवा बदल जाती है। आप देखिए बंगाल में इतना महत्व है, तो आप बंगाल में जाइए आपको हवा बदली लगेगी, रंग ढंग बदला लगेगा, लोगों के घरों में आप घुसेंगे तो अलग खुशबू, अलग माहौल, सब कुछ बदल, इतना ज़्यादा एसोसिएशन पैदा कर दिया, तो उससे भावदशा हमारी पैदा हो जाती है। तो इसलिए चीज़ें बड़ी वैज्ञानिक रूप से हैं और उनका हम उपयोग कर सकते हैं, थोड़ी आसानी बन जाती है चीज़ों में। तो नवरात्र के भी वैज्ञानिक कारण हैं, वैज्ञानिक कारण में देखिए एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी हैं, उसके जो कॉम्बिनेशन है उसको भी कंसीडर करते हैं, तो अब वो हमारा विषय नहीं इसलिए उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो भी एक विषय है कि इन दिनों का चुनाव क्यों होता है, क्योंकि वो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, वो कॉस्मिक जो अलाइनमेंट है वो भी इन दिनों में खास किस्म का है, तो उस खास वजह से भी चुना। अब ये तो उन लोगों की इनसाइट देखिए जिन लोगों ने किया होगा, कि उन्होंने इसको भी ऑब्जर्व कर लिया कि इन दिनों में कुछ ऐसी एनर्जी पैदा होती है जो बड़ी हेल्पफुल होती है, तो उसको हम ऐसे करें और उसको ऐसे अलाइंट कर दें, तो मल्टी लेवल वर्किंग है ये, ऐसी वर्किंग है ना जो एक लेवल पे नहीं, मल्टी लेवल वर्किंग है। जैसे मैंने इस पर भी बहुत डिटेल में बोला है, भारत में गंगा भारत का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट है। आज की तारीख में से हम जल तत्व पे भी काम करेंगे, अब तो वैज्ञानिक रूप से चीज़ प्रूफ हो गई कि हर तत्व की अपनी मेमोरी है, जिसमें वाटर की मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, जल उसका रासायनिक ढांचा बदले बिना उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है आपकी भावनाओं विचारों से। तो भारत में गंगा को चुन लिया सारे लोगों ने, एक सर्वसम्मति से सिद्धों ऋषियों ने, नहीं एक तो उसमें कुछ पवित्र कारण थे, वो कारण उसकी ओरिजिन, उसके गुजरने का जो सिस्टम था, इसीलिए मेरे मल्टी लेवल वर्किंग है। एक तो उन्होंने देखा कि इसका जो आने जाने का ढांचा है
तरीका है उसमें कुछ चीज़ें हैं भाई, जो उसका देखिए शुद्ध करने का गुण रहा वो उसकी ओरिजिन और उसके गुजरने का जो हर्ब और एलिमेंटल रहा उसका वजह एक रही। बाकी जब उन्होंने ये सब चीज़ देखी कि ये सबसे फेवरेबल चीज़ है तो उन्होंने कहा इस पर काम करेंगे, इस नदी को हमने चुन लिया, गंगा को। फिर एक तो लोगों के जनमानस में इतनी कहानियाँ बना के उसको बिठाया कि ये बहुत पवित्र नदी, वो कहानियाँ उन्होंने बनाई बेशक सब प्लांटेड स्टोरी हैं। उसके पीछे फिर उन्होंने काम किया कि सारे तीर्थ गंगा के किनारे बनाए, फिर तमाम ऋषियों सिद्धों ने गंगा के किनारे अपनी साधना करी, यानी कि उस पानी में अपनी मेमोरी को उन्होंने रिकॉर्ड किया। तो वो एक तरह से जीता जागता टेप रिकॉर्डर है जो लगातार बज रहा है भारत में, मतलब वो एक ऐसा FM है जो रिले हो रहा है लगातार, उसमें रिकॉर्ड किया उन्होंने उसमें सारी चीज़ें। और फिर उसको उन्होंने ये बनाया कि ये रिन्यू होता रहे रिकॉर्डिंग, तो आने वाले टाइम में जो और आए परंपरा के सिद्ध वो भी बैठें, वो भी साधना करें, सब जाके उसको रिन्यू करते रहें। तो गंगा ऐसी हो गई कि अगर कोई आज भी बहुत ओपन माइंडेड होके, आज भी सच्चाई है, इस पे कोई बैठे और फील करना शुरू करे, अचानक उसको लगे कुछ हो रहा है उसके अंदर, कोई ऐसी अवेकनिंग आ रही जो नहीं आएगी। हमारे साथ देखिए, हम लोग अभी गंगा के किनारे कुछ वर्ष हुए गढ़ मुक्तेश्वर में एक शिविर किया था, तो कई लोग हमारे साथ थे उस समय। आप यकीन नहीं करेंगे इस चीज़ पर कि मैंने गंगा के बारे में जब बताना शुरू किया कि मिस्ट्री है और ये देखिए गंगा में ऐसा होता है, अचानक बिना किसी कारण के, जो थोड़ी देर पहले कुछ क्षण पहले कहीं नहीं था, हजारों पक्षी हजारों बर्ड्स गंगा के पानी में आ रहे हैं, वहाँ से उछल रहे हैं हमारे चारों तरफ, हम जहाँ बोल रहे हैं हमारे पूरे एरिया को उन्होंने घेर लिया, सब चारों तरफ बैठे हैं सारे पक्षी, और हमारी तरफ से उड़ते हैं तो गंगा में जाते हैं, गंगा से उड़ते हैं तो हमारी तरफ आते हैं, और उतनी देर हम गंगा पे बोला मैंने। तो मैंने सबसे कहा देखिए ये केवल कॉस्मिक मिस्ट्री है कि नेचर ने भी रिस्पॉन्स किया, कि इंसान से ज़्यादा पक्षी उस मिस्ट्री को जानते हैं, बर्ड्स कैरी करते हैं, तो उन्होंने सुना, वो वाइब्रेशन पहुंची, वो आ गए सब, वो रिस्पॉन्स करने लगे। तो ये सब मिस्ट्रीज आज की तारीख में भी जिंदा है, इसमें ऐसा कुछ ख़त्म नहीं हो, गंगा कितनी भी पल्यूट हो गई हो, कितने भी नाले उसमें गिर जाएं, लेकिन फिर भी उसकी जो मिस्ट्री है वो जिंदा है। तो एक्सपेरिमेंट है, अब कहा जाए क्या हुआ, कुछ नेचर था, कुछ कंडीशनिंग हमने पैदा करी। आप देखिए हिंदू तो हिंदू मास्टर्स, सब मास्टर्स की आपस में जैसे होते ना एक अंडर हैंड डीलिंग होती है, तो अंडर हैंड डीलिंग माफियाज की ही नहीं होती, अंडर हैंड डीलिंग सब मास्टर्स की भी होती है। बुद्ध तक गंगा के किनारे गए, कोई भी भारत का गुरु ऐसा नहीं जो गंगा के किनारे नहीं गया हो, गंगा से गुजरा ना हो जो, आप इतिहास के पन्ने उठा के देख लीजिए, किसी भी गुरु का जो भारत में पैदा हुआ है वो गंगा से ना गुजरा हो, गंगा के किनारे उसने कुछ ना किया हो, इसका सवाल ही नहीं उठता। सबकी अंडर हैंड डीलिंग है कि हम भारत में एक ऐसी चीज़ को ज़िंदा कर देंगे कि कोई भी नहीं होगा, कोई गुरु नहीं होगा, कोई बताने वाला नहीं होगा, लेकिन फिर भी सबको गाइडेंस मिलता रहेगा। बैठते थे मगर एक घंटे आधा घंटे 45 मिनट के बाद ना जाने वो हताशा खुद चला जाता था। और मेरा जीवन में भी ऐसा होता था, जब सोते थे हर वक्त गंगा का सपने मेरे अंदर आते थे, जैसे मैं वो जो ज्वार होते हैं ना उसमें मैं बैठा जा रहा हूँ, जैसे वो मोरे को खींच रहा है, जैसे मैं उनमें स्नान करने लगा हूँ, जैसे ज्वार का तेज आया कभी स्लो जा रहा है, एक ये सब ने जिंदगी में एक बार नहीं बहुत बार देखे। और जब वो उधर जाके जाते हुए जब बैठे हुए हम ध्यान करते थे, जब वो माँ को मैं बोलता था जी माँ मैं तो कुछ नहीं जानता, तो जो कुछ भी है जो कुछ भी होने वाला है तो तुम्हारा चरण में, मैं जो भी जॉब कर रहा हूँ जो भी प्रार्थना कर रहा हूँ सब तुम्हारे चरण में चले जाए, और क्या उसके बाद तो सपना बंद हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा, कुछ इशारे होंगे उसमें,
और उनकी पूर्ति जब हो जाएगी तो वो चले जाएंगे। अब ये नदी के या इसके जो स्वप्न हैं, ये देखा जाए कोई मन की बात है कि पानी देखिए हमारे मन से भी जुड़ा है। अब सब जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी पे वर्क करते हैं वो भी जानते हैं कि चंद्रमा, पानी और मन ये कम्बाइंड है। यानी चंद्रमा से ही ज्वार भी बढ़ता है, हमारे मन पे भी असर होता है। तो मन में कुछ ऐसा होगा जो उस समय उसकी नीड होगी, उस वक्त की वो काम पूरा हो गया तो ये चीज़ आगे चली गई। तो और इसी वजह से देखो क्या है, इसी वजह से पहले सजेशन होता था कि साधकों को गंगा के किनारे कुटी बना के साधना करने लगते थे। रोज अगर सुबह उठ के कोई गंगा स्नान कर लेगा तो उसके मन की निराशा और उसकी हताशा तो सब चली ही जानी है, और एक अलग किस्म की हेल्थ भी मिलेगी। यानी कि जो शरीर में स्वास्थ्य होना चाहिए, स्फूर्ति, वो भी आएगी। तो अब हमारे यहाँ देखिए, पहले साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर ये सब तो होते नहीं थे कि किसी के मन में निराशा है तो उसे काउंसलिंग पहले कराइए। मॉडर्न एज में क्या आया, कोई कहीं साधना करने का उसके थेरेपी ग्रुप में डाल दो, उसकी पहले थेरेपी कराओ, तुम ये थेरेपी करो, तुम ये थेरेपी करो, फिर तुम ध्यान करो। तमाम ऐसे भी कल्चर मेडिटेशन के पैदा हुए क्योंकि उनके पास गंगा नहीं थी। हमने कहा कि जाओ गंगा के किनारे साधना करो, सुबह उठ के नहाया करो, 10 दिन के बाद वैसे ही खुश होने लगता है, कहता अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा दूसरा, उसे सुबह उठ के नहाओ, सुबह सुबह उठोगे वैसे ही मन अच्छा होता है सुबह के वातावरण में। तो ये सब का बड़ा इंटर रिलेशन रहा, तो सब बड़ा व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ हमने पूरा का पूरा व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास पर ही काम किया। तो हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिस पर काम किया जा सकता हो और हमने ना किया हो। हमने जहाँ कहीं काम भारत में मिला हर चीज़ पे कर लिया, पहाड़ हो तो कर दिया, नदी हो तो कर दिया, पेड़ पौधा सब कहीं। और कॉस्मिक मिस्ट्री का तो पूछे नहीं। अब जैसे कि आज के वक्त की अगर मेरी बात करी जाए, मेरी सारी चीज़ बिल्कुल गैर पारंपरिक है। परंपरा से कोई नवरात्र पे साधना करवा रहे हैं तो परंपरा का पूरा है, लेकिन यूँ मेरी लाइफ स्टाइल देखे कहीं पूजा नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं आएगा उसमें। लेकिन हम निकलेंगे तो घूम फिर के किसी न किसी मंदिर पहुंच जाएंगे। यूँ नहीं जाएंगे कि मंदिर जाना है, हम कहीं जा रहे हैं सफ़र पे और घूमते फिरते पहुंच जाएंगे किसी बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर पे, और वहाँ कुछ होगा अपनी अपनी मिस्ट्रीज। तो भारत में तो ऐसी चीज़ें छोड़ी। अभी कुछ दिन पहले कृष्णा जी का बर्थडे था, 2 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है गांधी जी के दिन। तो आपका हुआ कि कहीं निकलते हैं, उज्जवल भी साथ में थे हमारे, आज उज्जवल नहीं आए। तो रास्ते में निकलते बीच में ऐसे आया कि कहाँ चले, तो हमने कहा लखनऊ के आसपास तो कहीं जाने की जगह ही नहीं है, दिल्ली वालों के पास तो बहुत जगह हैं, 2-4 घंटे के ड्राइव पे कहीं निकल जाइए, लखनऊ वालों के पास कोई जगह नहीं इतनी। तो कानपुर क्या कि एक बिठूर जगह पड़ती है वहाँ, तो हमने गूगल पे देखा एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर, तो महाभारत काल का मंदिर है। और उसमें मिथ ये है कि अश्वत्थामा अभी भी वहाँ पूजा करने आता है। अश्वत्थामा कहते हैं मरा नहीं है, उसको कृष्ण ने श्राप दिया। अब हम लोग पहुँचे तो हम लोगों को नहीं पता था, गूगल के थ्रू हम लोग पहुँच गए। वहाँ एक तालाब था, तालाब के किनारे एक बड़ा पुराना सा पेड़ था, वहाँ हम लोग खड़े हुए। अब एनर्जी देखिए ये होती, अच्छा लग रहा है सबको कि कुछ है यहाँ पर अच्छा सा बड़ा, लेकिन हम लोगों को अभी हिस्टोरिकल कोई जानकारी नहीं। मंदिर की तो पता थी, तालाब की नहीं पता थी, वो तो हमको आने के बाद पता चली जब हमने फिर उसको सर्च किया। तो महाभारत में जो डिस्क्राइब है गंधर्व सरोवर, जिसके किनारे युधिष्ठिर से गंधर्व ने प्रश्न पूछे थे और युधिष्ठिर ने जवाब दिए थे, तो वो वाला पॉइंट वो था जहाँ हम लोग पहुँचे। तो अब देखा जाए कि अब वो तालाब खींच रहा था, हम लोग चूँकि आना जल्दी था तो इसलिए हम लोग ज़्यादा देर उधर बैठे नहीं, लेकिन जैसे ही वहाँ हम लोगों ने कार रोकी उतरे, सबसे पहला काम कर सीधे तालाब की तरफ गए। वो जो पेड़ था वहीं पहुँचे हम लोग, वहीं खड़े हुए थोड़ी देर, तालाब को देखा, लौट के आए। कहने का मेरा मतलब है कि इतने सालों, हजारों साल के बाद भी उसकी एनर्जी अभी भी मेंटेन होगी जो अपना काम कर रही होगी, यानी ये वाटर मेमोरी। तो भारत में ऐसी इतनी जगह उन लोगों ने छोड़ रखी हैं जहाँ पे काम किया है कि सोच ही नहीं सकते। और कई सारी जगह तो आपको ये बताएं, बड़ी मिस्ट्री है कि कोई गुरु कहीं रहा तो हर गुरु जहाँ भी होता है वहाँ एक एनर्जी फील्ड पैदा हो जाती है, उसी को हम बुद्धा फील्ड कहते हैं।
तो अभी भी तमाम ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कभी कोई बहुत बड़ा गुरु था, बहुत बड़ा मास्टर था, तो कुछ जगह तो प्रिजर्व हो गई, जैसे तीर्थ बन गई, कुछ जगह प्रिजर्व नहीं हुई, या कोई ऐसी सिचुएशन हुई कि किसी को ज़मीन बेच देनी पड़ी, वो बिक गया, वहाँ कोई मल्टीप्लेक्स बन गया, कहीं आश्रम बन गया, या मतलब वो रिहायशी इलाका बन गया, वहाँ पे फैक्ट्री किसी ने बना ली आगे आने वाले टाइम में, लेकिन आज भी वहाँ पर उसकी चीज़ लोगों को फील होती है। जैसे अगर ऐसी किसी जगह पे कोई फैक्ट्री बन गई तो लोग कहेंगे पता नहीं क्या बात है, मतलब इसने यहाँ फैक्ट्री डाली और अरबपति हुआ चला जा रहा है, नहीं वहाँ की एनर्जी फील्ड इतनी स्ट्रांग है कि उसको उसमें भी बेनिफिट हुआ जा रहा है, या कहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन गई उस जगह पे आज की तारीख में, तो कई जगह लोग क्लेम करेंगे कि इस घर में बहुत अच्छा लगता है, यहाँ रहते बड़ी शांति मिलती है इस घर में, क्योंकि हमको नहीं पता लेकिन सैकड़ों हजारों साल पहले वहाँ कोई एनर्जी फील्ड होगी। और इसका उल्टा भी होता है, निगेटिव वाली हुई तो परेशान है आदमी खाम खा, उसको बिना वजह के परेशानी पकड़े हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं भारत में। ये बिठूर के पास में, कानपुर के खेरेश्वर कहते हैं, कानपुर के पास में बिठूर जगह है, बिठूर से 40 किलोमीटर दूर, गूगल मैप पे है खेरेश्वर करके डालते हैं, तो इस पर टीवी वालों ने प्रोग्राम भी किया था पूरा रात भर रुक के वहाँ पर कि देखेंगे कैसे पूजा होती है नहीं होती है, तो कहते हैं वो चावल या जल चढ़ा हुआ वहाँ मिल जाता है लोगों को, तो जी टीवी वालों की टीम शायद गई थी, तो सुबह जब ताला खोला तो वो रजाई उड़ा देते हैं शंकर जी का जो शिवलिंग है, तो पानी उस पर गिरा हुआ था, वो गीली थी, और बंद करके उसको जो टीवी वाला था जनरल चाबी उसी को दे दी थी मंदिर वालों ने, तो कह रहा भाई इसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, अब हमने खोला तो पानी तो इसमें मिल रहा है, जब हमने रात में बंद किया था तो बिल्कुल सूखी रजाई इस पर उड़ाई गई थी, लेकिन अब तो है, मतलब इसके क्या रहस्य है ये तो नहीं जानते, लेकिन अब उन लोगों की बात भी अपनी जगह है, वो कहते हैं कि रात में 1 से 4 के बीच में कभी घटना होती है, लेकिन पता नहीं चलता किसी को कभी। जैसे निधि वन में वहाँ है ना, वृंदावन में अभी झुके रहते हैं, अगर अंदर कोई देखोगे तो भी रुकेगा तो मर जाएगा या वो। हाँ, ये तो देखिए कहानियाँ बना देते हैं, लेकिन घटनाएँ तो कुछ होती हैं, घटनाएँ हैं लेकिन बाकी तो कहानियाँ हैं कि उनकी क्या होता है क्या नहीं होता है।